मनुहार मैचिंग सदन प्रेजेंट्स न्यू मनुहार एथनिक वेयर स्टोर। यहां आपको मिलेगी डिजाइनर गर्ल्स वेस्टर्न वेयर। समैया मार्केट, गुजराती बाजार, सागर। रायसेन जिले के बाड़ी ब्लॉक के ग्राम सलैया निवासी 29 साल की युवक को 27 मार्च को भोपाल एम्स में कैंसर इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, जिसका ऑपरेशन कर कैंसर वार्ड में शिफ्ट कर दिया, जहां पर कीमोथेरेपी चल रही थी। इसके बाद 6 अप्रैल को उसकी छुट्टी होने वाली थी, लेकिन उसी वार्ड में वृद्ध व्यक्ति की मौत हो गई, जिसकी जांच में कोरोना पॉजिटिव आया। उसी के चलते एक ही वार्ड में रहे युवक का सैंपल भेजा गया तो उसकी जांच भी कोरोना पॉजिटिव आई है, लेकिन उसके साथ रह रहे उसके भाई की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इस बात की पुष्टि ब्लॉक मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर गिरीश वर्मा ने की है। बताया जा रहा है कि दोनों भाइयों में से कोई भी गांव नहीं आया। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सभी सदस्यों और ग्रामीणों की जांच की गई, जिसमें गांव में कोविड-19 से संबंधित कोई भी लक्षण नहीं पाए गए। दल के द्वारा गांव के लोगों को कोविड-19 से बचाव और सुरक्षा से संबंधित परामर्श दिए गए हैं। जी सर, ये मरीज मिला है, इसका क्या क्या किया है, कहाँ मिला है? देखिए, जैसे कि हमारे पास खबर आई थी कि ग्राम सलैया में देवेंद्र धाकड़ करके है, वो कोरोना पॉजिटिव आया है जी। कल हमें जैसी सूचना मिली, हमने तुरंत अपनी यहाँ पे जो ANM है और आशा तो इस गाँव में नहीं है, आशा सहयोगी है जी और आंगनबाड़ी है, इनको इससे हमने पूरी गाँव की वास्तविक स्थिति ली। और फिर जो वो उसके देवेंद्र धाकड़ का जो नंबर था हमारे पास, तो उससे हमने बात भी की जी, तो पता चला कि वो एम्स में भर्ती है और वो वहाँ पे उसकी जांच हुई है, जिसमें जांच कुछ गड़बड़ आई है, उसने ये बताया जी। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे आके जब उसकी पूरी हिस्ट्री ली है जी और उसके भाई बसंत से बात भी की हमने फ़ोन पे जी, जो कि उसके साथ में, तो पता चला कि 24 मार्च से ही वो लोग भोपाल गए हुए थे जी, और 24 मार्च को वहाँ एम्स में दिखाया है। उसको कैंसर की प्रॉब्लम थी, उसको पहले से कैंसर था जी, और उसके लिए वो गए थे, तो 24 तारीख से वही एम्स में थे, वहीं पे बाहर जो खाना मिलता है वहाँ खाना खा के, और उनका कहना कि वहीं दरी बिछा के सो जाया करते थे जी। 27 तारीख को फिर वो उसकी जब जांच की रिपोर्ट आ गई थी कैंसर की, तो उसको कैंसर निकला था जी, और तब उसको वहाँ पे भर्ती कैंसर वार्ड में भर्ती कर लिया गया है जी, और उसका खून की काफ़ी कमी थी जी, तो जिसके कारण उसको 3 बॉटल वहाँ खून चढ़ा था, 1 बॉटल तो बसंत ने ही दिया था उसके भाई ने जी, और 2 बॉटल अलग से उन्होंने व्यवस्था की थी, और ऐसे 3 बॉटल चढ़ा था जी। 6 तारीख को उसकी छुट्टी हो रही थी वहाँ से जी, और इस बीच उसको कैंसर का कीमोथेरेपी भी उसको दी गई थी, और जब 6 तारीख को जब उसकी छुट्टी कर रहे थे तो उसी वार्ड में बुजुर्ग थे कोई जी, 70-80 साल के जी, उनको भी कैंसर था, तो उनकी अचानक सांस की प्रॉब्लम होने लगी और उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, तो उन्होंने जो डॉक्टर ने उन्होंने ICU में उसको भर्ती किया जी, और उसकी कोरोना की जांच की, क्योंकि सांस की बीमारी से एकदम से उसको घबरा सांस की बढ़ने लगी चलने लगी जी, तो उसको फिर कोरोना की जांच कराई थी जी। अच्छा, जांच करा करने सैंपल लेने के 2 घंटे बाद ही वो बुजुर्ग का निधन हो गया जी, तो इसलिए फिर इनकी वो जो डिस्चार्ज कर रहे थे तो इनको डिस्चार्ज ना करके इनको रोक लिया गया जी, और वो बुजुर्ग की रिपोर्ट पॉजिटिव आई कोरोना से जी, इसलिए इनका भी सैंपल लिया गया था और इनकी रिपोर्ट में भी पॉजिटिव आया, तो देवेंद्र की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है जी, जबकि इनके भाई की रिपोर्ट नेगेटिव आई है जी। सर, तो ग्रामीणों में सुरक्षा के लिए क्या किया गया? मैं वही बता रहा हूँ, चूँकि ये व्यक्ति यहाँ से कोरोना लेके नहीं गया था जी, गांव में कोरोना के कोई भी ऐसा संक्रमित मरीज नहीं है जी, वर्तमान में ऐसा कोई भी वो नहीं है कि जिसको अपन संदिग्ध माने जाए, और ये व्यक्ति 24 तारीख को यहाँ से गया था, 24 तारीख से आज 16 तारीख हो गई है, 22-23 दिन हो गए हैं जी, है ना, इसको इन्फेक्शन वहीं पे भर्ती रहते हुए समय पे लगा था जी, चूँकि जो दादा खत्म हुए थे वो उसी वार्ड में ये भी भर्ती था जी, वहीं से उसको इन्फेक्शन लगा था, गाँव में किसी भी तरह का संक्रमण का नहीं है, फिर भी ग्रामीणों को अब पूरे हमारी टीम जो है वो गांव-गांव घर-घर जाके सर्वे कर रही है जी, ये हर घर में जाके इस तरह के सर्वे कर रहे हैं, और ये भी जो बाहर से आए हुए हैं आपके यहाँ पे इस गांव में करीब 32-33 लोग बाहर से आए जिसकी सूची भी हमारे पास है जी, उनको भी विशेष ध्यान देके और उनको देखा जा रहा है, स्क्रीनिंग की जा रही है जी, अभी वर्तमान में सभी स्वस्थ हैं, किसी में ऐसे कोई ऐसे लक्षण नहीं पाए गए हैं जी, और उसको जो इन्फेक्शन लगा था वहीं एम्स में ही लगा था जी, और गांव से इन्फेक्शन नहीं गया है उसमें। ओके सर, थैंक यू। रायसेन से राजेश रजक, सागर टीवी न्यूज़।
मनुहार मैचिंग सदन प्रेजेंट्स न्यू मनुहार एथनिक वेयर स्टोर। यहां आपको मिलेगी डिजाइनर गर्ल्स वेस्टर्न वेयर, एथनिक वेयर, ट्रेडिशनल वेयर ड्रेसेस, सूट पीस, कुर्तीज, लहंगा चुनरी एंड डिजाइनर पार्टी वेयर ड्रेसेस। हमारे यहां स्पेशल फैशन डिजाइनर द्वारा एथनिक गर्ल्स की पार्टी वेयर ड्रेस भी डिजाइन की जाती है। हमारा पता है समैया मार्केट, गुजराती बाजार, सागर। हमारा मोबाइल नंबर है 9993 77099।